Good morning. Morning, morning. Morning, Ogui. क्या किया यहाँ, कैसे पहुंचा मैं? आपने कल रात को एक क्रेजी काम किया है। क्या? क्या क्रेजी? मतलब किसके साथ? कैसे? ये क्या बने? एक बहुत मजेदार क्रेजी काम किया है। लेकिन मैं कभी कोई क्रेजी काम करता नहीं रजनी, क्या किया मैंने बताओ? रजनी, don't blink, tell me. रजनी साले अंदर आ गया बिना लॉक के। गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग। भैया, नॉक करने के लिए दरवाजा बंद होना चाहिए। या एंड बाय द वे, सुबह हो गई है, यू कैन टेक अ ब्रेक। ज्यादा मत बोल, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तू जा यहाँ से। नहीं शान, शर्मिला भाभी और ध्यान को भी पता चलना चाहिए। क्या पता चलना चाहिए? शान ने कल रात को कुछ क्रेजी किया है। शट अप। और क्या कर रहे? कुछ क्रेजी नहीं किया मैंने, दो बियर ज्यादा पी ली थी यार, तो पानी वानी में कुछ उतर गया और उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। तेरे को पता है मैं तो कुछ क्रेजी करता ही नहीं। आई अंडरस्टैंड, है ना? हाँ। मैंने सब रिकॉर्ड किया है, लेकर आती हूँ। ये रिकॉर्डिंग्स किसी को दिखाते नहीं है, मैं बाद में देखूंगा। ओके शान। ओ मत कर, जा मैं तेरे को आधे घंटे में कैफे मिलता हूँ। गो गो। ये क्रेजी काम किया है शान ने। गॉश, शोकता को कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मन तो कर रहा है उस पांगड़ू को इस शर्ट में डाल के आयरन कर दूं। शोगो, शोगो तो ओ माय गॉड, तुम यहाँ हो शोगो, हम तुम्हें पूरे घर में शोगो, तुम देव के कपड़े इस्त्री कर रही हो। शोगो, जो भी तुम तकलीफ में हो ना, शॉर्ट फॉर्म में बात मत करो, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी तकलीफ क्या है, राइट? प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। व्हाट डू आई डू? ओके, देखो शोगो, तुम एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। छह महीने के लिए ये सब टॉलरेट करो। नो शोकता, यूएस जाने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया में वेडिंग होने वाली थी, सब वही का वही रह गया। मिस माय मैटी सो मच। उस जैसा लड़का मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। शोको, तुम अब भी उस मैटी से प्यार करते हो? मैटी ही एक ऐसा लड़का है, शोकता की सब डिमांड्स सिर्फ वही पूरी कर सकता है। शोको, यू स्टुपिड गर्ल, जो लड़का तुम्हारी हर डिमांड्स पूरी करे, जरूरी नहीं वो तुमसे प्यार करता हो, ओके? ऐसे तुम खुश नहीं रहोगी। आई डोंट केयर मॉम, लाइफ में अगर रोना ही है तो किसी बंगले में रो, किसी वन बेडरूम फ्लैट में नहीं। देव का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें, वरना वो तुम्हें ऐसे ही ब्लैकमेल करता रहेगा। You're right, mom. शोकता को ही कुछ करना पड़ेगा। शान, तुझे विश्वास नहीं होगा, जब से वो फोटोज मेरे हाथ में लगे ना, मेरी नींद में मेरे सपने में चुड़ैल आना बंद हो गई। अब आएगा मजा, ये फोटोज तो उसको जिंदगी भर नहीं मिलेंगे, मैं भूल रहा हूँ। हाँ हाँ, चल बाद में बात करते, बाय। पांगड़ू, ये लो अपने कपड़े। ये इज्जत से बात करो, वरना तुम जानती हो। आपके कपड़े। ये हुई ना बात, चलो भी पैर दबाओ। मतलब खाना बना? What? अच्छा एक मिनट। हेलो, हाँ सर, सर अखबार में एक बहुत इंपॉर्टेंट फोटो देनी है मुझे। बनाती हूँ, बनाती हूँ। वेरी गुड, मैं बाद में फोन करता हूँ सर।
गुड गर्ल, बाय। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। किसी माई के लाल में दम नहीं जो शान को ये टैटू बनाने से रोक सके। इडियट, क्या बेवकूफिया कर रहा हूँ मैं आजकल? आई मीन लुक बदल दी मेरी, वो बाल वाल बांध दिए, इतने अनकंफर्टेबल कपड़े पहन के घूम रहा हूँ मैं, गुंडों से लड़ रहा हूँ, पहाड़ से कूद गया हूँ, अब ये टैटू कैसे निकालूंगा? ये टैटू कुछ उपाय बताओ। ऑफ कोर्स निकाल सकता है, हमें लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। करो। आई एम सॉरी शान, ये फीचर आपने मुझ में डाला ही नहीं है। वाओ, सो प्राउड ऑफ मी। इस ध्यान का गला दबा दूंगा मैं, हनीमून के नाम पे मेरा लगा रखा है सबने। क्या है बे? हेलो शान, पहचाना? मैथ्यू सर। ऑफ कोर्स सर, मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकता, वो मेरी वाइफ। आई नो तुम अपने हनीमून पे हो, लेकिन मैं अंदर आने नहीं आया हूं। मैं यहां आया हूं तुम्हें बताने के लिए कि मैं आ गया, और अगले 2 घंटे में तुम अपने रोबोट को लेकर मुझसे मिलोगे, समझ गए? 2 घंटे में? 2 घंटे शान। ओके। दो घंटे, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। शान के लिए परफेक्ट वाइफ ढूंढनी है। My bad luck कि मैं अमन की आशा नहीं हूं। No problem। अगर आप चाहें तो आपके इस बैड लक को गुड लक में चेंज कर देते हैं। वो कैसे? बहुत सिंपल है, आप मेरी दोस्त बन जाइए, फिर हम एक डेट पे जाते हैं। आपकी हर खुशी को पूरा कर सकता हूं मैं, अगर आप चाहे तो। यू नो वॉट आई मीन? आई नो वॉट यू मीन। वैसे क्या तुम सिंगल हो? एकदम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। और चार्मिंग भी। वेल थैंक यू, इस बंदे का काम ही यही है कि आप जैसे हसीनाओं को चार्म करना। सो चले, एक्चुअली इसी रिसोर्ट में मेरा एक स्वीट बुक है। रियली? यस, ओपन बार। हाउ? पार्टी करेंगे। अमेजिंग, थोड़ी मस्ती भी। यू नो व्हाट? यस। अब तुम मुझे इतना कुछ ऑफर कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। वेरी इंटेलिजेंट, आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? आप एक्चुअली करना नहीं, तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। वंडरफुल, जल्दी।
तुम सारे मर्द ऐसे हो। तो कैसा लगा गिफ्ट? वैसे एक और गिफ्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए। वन सेकेंड, कैन आई हैव दैट ग्लास? ये क्या है? डिवोर्स का नोटिस, तुम्हारी बीवी के ऑफिशियल लॉयर की तरफ से। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, मैंने तो लाइफ में कभी कोई लॉयल मर्द देखा ही नहीं है। क्योंकि हर मर्द कमीना नहीं होता, कुछ मर्द लॉयल भी होते हैं। आपको भी कोई ऐसा मिला था क्या? Never mind. अब खैर, मुझे तो इसके बारे में कंप्लेंट करनी ही नहीं चाहिए। आई मीन, जितने मर्द कमीने होंगे, मेरी दुकान तो उतनी ही चलेगी ना। सीरियसली, आप एक बहुत अच्छी लॉयर हैं। बस जस्ट कीप स्माइलिंग और अपनी होप कभी मत छोड़ना। बाय। ये किसकी याद आ गई अचानक आज? मिस्टर शांतनु कांत, मिस्टर लॉयल, नो, मिस्टर जीनियस। पता नहीं क्या कर रहा होगा पागल। मेक शांत द परफेक्ट मैन प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस एक आखिरी चीज बची है। शांत के लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढनी है जो उनके लिए परफेक्ट वाइफ बन सके। शान ने मेरे साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, उसे एनालाइज करने के बाद मेरा लॉजिक यही बताता है, शान के लिए एक परफेक्ट मैच उनकी एक्स गर्लफ्रेंड समायरा है। मुझे समायरा को ढूंढना होगा, मुझे समायरा की इमेज रेफरेंस चाहिए। मैं नहीं जानती वो कैसी दिखती है। मेरे लॉजिक के मुताबिक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड्स की फोटो अक्सर अपने मोबाइल में रखते हैं। शान का मोबाइल मेरे सिस्टम के साथ सिंक्ड है। लेट मी चेक। मोबाइल में कुछ नहीं मिला। प्रिमिटिव ऑप्शन। आदमी अपनी गर्लफ्रेंड्स की फोटो अक्सर वॉलेट में भी रखते हैं। आई शुड चेक शान्स वॉलेट। मुझे शान का वॉलेट चेक करना होगा। रजनी भाभी, शांत भैया ना सच में फुसकी रॉकेट ही है। भैया आप एक काम कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, भाभी हम दोनों चलते हैं। लेट्स गो शॉपिंग, कम। ओके। रजनी भी बहुत थकी हुई है। अरे रजनी भाभी, में तो थकने का फीचर ही नहीं है। भाभी चलो ना, लेट्स गो शॉपिंग। करेक्ट। तुझे बड़ा पता है इसके फीचर्स के बारे में। रजनी, तुम्हें 2 घंटे में मैथ्यू को डिलीवर करना है, पता है ना? शान, मैं 2 घंटे के पहले वापस आ जाऊंगी। अरे भाभी चलो ना, लेट हो रहा है ना। प्राइवेट बातें कर रहे हैं, खुद तो अपनी बीवी छोड़ा है। क्या मैं आपका वॉलेट ले जा सकती हूँ? क्यों? शॉपिंग के वक्त ध्यान से पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए। किसे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ठीक लगेगा, बहुत पैसे है इसके पास, देगा ना? हाँ भाभी, आप वो सब टेंशन मत लो, आप चलो बस चलो। यू चीपो। अच्छा ले जाओ ड्रामा क्वीन। ओके शान, मैं यू गई और यू वापस आई। बाय 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 भैया। ये लास्ट बाय 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 होने वाली है रजनी, इसके बाद तुम्हें मैथ्यू को दे दूंगा। काश लास्ट के ये कुछ पल मैं तुम्हारे साथ बिता पाता, काश तुम ये सैड फीलिंग समझ पाती। अब तुम्हें डिसमेंटल करने का टाइम आ गया। मैं
काम करना पड़ता है, नींद भी पूरी नहीं है, भूख भी लग रही है। ऐश्वर्या कुछ खाने को ला, नाश्ता ला, देव बाबू को भूख लग रही है। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ आप हंस क्यों रहे? ले लो वो कड़वांगड़ू, तुमसा नाश्ता आ गया। अरे मेरा फोन। ठीक है, ये क्या देख रही है? या तूने जो नया एसी को फिटिंग किया ना, उसी को मैं देखती जा रही है, देखती जा रही है। एसी क्या है एसी? अरे आप लोग हंस क्यों रहे हो, मैं कोई कार्टून हूँ क्या? मैं जा रहा हूँ, मैं तुम लोग के साथ नाश्ता ही नहीं करूंगा, अकेले जाके करूंगा। थैंक यू। अरे पुत्र नाश्ता तो बैठ के कर। ओए रुको 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 रुको। जी अंकल। इधर जी अंकल जी, आज कोई नए फैशन की पैंट पाई हुई है? फैशन नहीं अंकल, कल यही तो पहनता हूँ हमेशा। एक मिनट, घूम जा तू, पूरा घूम नहीं यार। ये देख पुत्र, ये फैशन। ये क्या, ये कब हुआ? ये तो मुझे पता ही नहीं चला। बाप रे, थैंक यू अंकल, नहीं तो मैं बाहर चला जाता तो मेरी तो इज्जत चूर चूर हो जाती। थैंक यू वेरी मच। ओए देव, हाँ। आज मोदी के पराठे तेरे काम का ना, वरना तुम्हारी एसी से जो हवा आएगी ना। अब उधर धोबी के पास जा और उसको बता ये कैसी प्रेस करी हुई है तूने, उससे जवाब मांग। उस धोबी से तो मैं जवाब मांग कर रहूंगा। वो क्या है ना, फ्री में काम करवाओगे तो ऐसा ही होगा। शान यानी है ना, इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो रही है। शान प्लीज जल्दी आ जाना। ये तो सिर्फ शुरुआत है बाबू। अजीब सी फीलिंग है, इतने सालों बाद भी ये जगह पुरानी यादें ताजा कर देती है, जैसे आदत सी पड़ चुकी है। ध्यान, गाड़ी रोको। भाभी यहाँ पे गाड़ी क्यों रुकवाई? मैं कंफ्यूज्ड हूँ, इसलिए भगवान जी के पास जाकर मंदिर में प्रे करना चाहती हूँ। अरे भाभी क्या कंफ्यूजन है, मुझे बताइए, आई विल सॉल्व इट। क्यों, तुम भगवान जी हो? तुम चुप करो। रजनी हम यहाँ बाद में आएंगे, कपड़े की शॉपिंग बाकी है। इट्स अ साइन, मुझे भगवान जी बुला रहे हैं, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। शर्मिला भाभी ध्यान, आप दोनों आगे जाइए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके भाभी, टेक केयर। यू टू। जब ह्यूमंस कंफ्यूज होते हैं तो वो भगवान से प्रे करते हैं। मुझे भी भगवान जी से प्रे करके इस कंफ्यूजन का सलूशन निकालना होगा। ये शान का फेवरेट मंदिर है और समायरा का भी। वही चार प्रार्थनाएं।